पीड़ित है। क्यों पीड़ित है? इसका एक वजह हमने ढूंढा है, वह है कि भारत अभी तक स्वतंत्र नहीं हुआ है। 15 अगस्त 1947 को मिलने वाला स्वतंत्रता बिल्कुल झूठा है, बकवास है, और यही गुलामी की जैसे कि जो है वह उत्तरोत्तर बढ़ते चला जा रहा है और सरकार उसको और कड़ा करते चले जा रही। इसलिए पूरे भारत के निवासियों का, भारतवासियों का जीवन अस्त व्यस्त ही नहीं, बिल्कुल नारकीय हो गया है। आप एक घटना को देख करके भी आप उसका प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं। सामने एक महिला के साथ कई जैसे छेड़छाड़ हो, बलात्कार हो, उसके साथ और किसी प्रकार की घटनाएं घटती हो, तो आप इस बात को पुलिस में रिपोर्ट नहीं करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये सोचते हैं कि कौन जाता है लफड़ा में फंसने के लिए। यही कानून, यही कचहरी, यही पदाधिकारीगण जैसे भारत के एकमात्र जैसे कि लफड़ा है जिससे लोग बचना चाहते हैं। माने एक समय था जब भारत के सारे लोग अपने जैसे भाई मानते थे, आज कोई किसी को भाई नहीं मान रहा है। एक इलाका के में रहने वाले लोग ये कहते हमारे इलाका से तुम भागो। आज महाराष्ट्र में भी यही घटना घटी, गुजरात में भी यही घटना घटी, आसाम में भी यही घटना घटी, मणिपुर में भी यही घटना घटी। इन सारे घटनाओं से यह साबित होता है कि हम अब क्षेत्रीयता में बहुत ज़्यादा प्रवेश कर गए हैं। भारत की यह आइडियोलॉजी नहीं थी, भारत की आइडियोलॉजी यही थी, अलंग निज पर्व बेटी गणना लघु चेतम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसी गिनती नीच लोग करते हैं। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं उनके लिए जो पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं सब अपने परिवार का सदस्य होता था, और यही जो विचार है वो हमारे देश में पनपा था। और 47 के समय में सारे लोग इस बात को जैसे कि मानते ही नहीं थे, वो अपने अमल में लाते थे, और आज ये है इस गुलामी की वजह से हम इस मान्यता को झुठला दे रहे हैं। इसलिए हमने ये इस बात को सोचा कि भाई आखिर ये व्यवस्था ख़राब है तो इसका सही विकल्प क्या हो सकता है, तो वह विकल्प है दलविहीन प्रजातंत्र और शासन तंत्र। इसमें आदमी एक बात यह है कि कोई दल के नाम जैसी चीज़ नहीं होगी और दल से उसकी पहचान नहीं होगी। सारे लोगों की पहचान भारतवासियों से होगी और नेक पुरुषों से होगी। चूँकि अभी तक की जो घटनाएं घटी है वो सब जैसे इन विचारों को जैसे दरकिनार करने के कारण ही घट रही है। इसलिए अब जैसे कि मेरा ही इतना कहना है कि भारत सरकार इस वर्तमान व्यवस्था का विकल्प के लिए वो जैसे कि तैयार विकल्प आयोग का गठन करें, ताकि वहाँ पर सारी बातों को विस्तार से रखा जा सके। कैसे जैसे कि कैसा प्रशासन होगा, क्या कानून होगा। अब इस कानून का एक छोटा सा उदाहरण जैसे देते हैं, आपने पंच परमेश्वर की घटना को जैसे पढ़ा है जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, जहाँ पर कि गांव में यह घटना घटी थी कि एक अलगू चौधरी और एक जुम्मन शेख का जैसे मामला था, जहाँ पर ये चूँकि खुले मैदान में भी जैसे फैसला हुआ था, इसीलिए उस वहाँ पर जो है कोई भी आदमी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं किया। और आज जो भी निर्णय हो रहा है सब बंद कमरों में हो रहा है। नतीजा क्या, निर्णय देने वाला व्यक्ति बेईमान जैसे हो रहा है, एक दूसरे को बुला करके नाजायज पैसा लेकर के उसका जैसे निर्णय दे रहा है। यही निर्णय देने की घटना जो है आदमी को आज प्रताड़ित किए हुए है, आदमी के स्वभाव को, आदमी के व्यवहार को, आदमी के रोजगार को, आदमी के सारे जैसे कि कार्यकलाप को प्रभावित किए हुए हैं।